देखिए भीतरी बाहरी का कोई यहाँ प्रश्न नहीं है, यहाँ से स्वामी चिन्मयानंद और तमाम कई नेता ऐसे हुए जो बाहर से आए, इसका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। यहाँ फैक्टर है कि चुनाव में इस बार सरकार के विरोध में चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन मुद्दों पे लोगों को गुमराह किया, 15 लाख देंगे, रोजगार 2 करोड़ रोजगार देंगे, विकास की बात की, लेकिन वो सारे मुद्दे उनके फेल हुए और कहीं जमीन पर कुछ दिखा नहीं। आज सबसे बड़ा मुद्दा वैक्सीन का, वैक्सीन जिसको आपने जबरदस्ती लोगों को कहा गया कि नहीं आपको ये तो आपकी सरकारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, आप प्लेन जहाज में ट्रेन में सफर नहीं कर पाएंगे। आज जो वैक्सीन कंपनी कह रही कि हाँ वो वैक्सीन गलत थी, आज लोगों को ब्रेन हेमरेज जिसका खतरा बढ़ रहा है हार्ट अटैक का, तो आपने तो लोगों की जिंदगी साथ खिलवाड़ किया ना भारतीय जनता पार्टी। क्यों मोदी जी ने अपना वैक्सीन के पोस्ट पे अपना फोटो हटवा लिया? और रही बात यहाँ चुनाव की, तो यहाँ देखिए ये समाजवादियों का गढ़ रहा और यहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। आप कह रहे हैं कि मोदी जी की फोटो वैक्सीन पे हटा दिया गया, ये तो सब लोग जानते हैं कि आचार संहिता के नाते फोटो हटा दिया गया, ठीक है। और वैक्सीन की बात है तो वैक्सीन में 101 करोड़ में 1 लोगों को डिफेक्ट किया, ठीक है। तो आप 1 करोड़ लोगों को देखेंगे कि 1 लोगों को देखेंगे? ऐसे सर दर्द की दवा है, अगर आप खाएंगे तो लोग कहते हैं किडनी बेहतर करता, उसका असर करता है, तो क्या आप सर दर्द की दवा नहीं खाते? मतलब आप ये बोल रहे हैं कि साइड इफेक्ट कितने में से कितने लोगों को है, वो प्रतिशत भी 1 करोड़ लोगों में 1 लोगों को। आपका नाम साहब? अजीत सोनी जी। हाँ, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने लंदन हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हाँ जो वैक्सीन बनी है वो गलत है, दूसरी थी, उसका साइड इफेक्ट हो रहा है, और तमाम जो एक्सपर्ट उसके हैं, और आज तमाम वीडियो शादी वैवाहिक कार्यक्रमों का, आपके बनारस का है कि जिमनास्टिक जिम कर रहा था और अचानक गिरता, हार्ट अटैक हो जाता है, और जो एक्सपर्ट वो बता रहे हैं कि इसका साइड इफेक्ट हो रहा है, और तब भी लोगों ने कहा था कि नहीं इसका साइड इफेक्ट होगा, जल्दबाजी में तैयार की गई वैक्सीन है, लेकिन सरकार ने इतना जबरदस्ती थोपा और लोगों को लेना पड़ा। और रही बात जो पोस्ट फोटो हटाने की, शौचालय से आपकी फोटो नहीं हटी, वैक्सीन से क्यों हट गई? शौचालय पर आज भी लगी है आपकी फोटो, एक विद्यालय तो आपने बनाया नहीं, एक यूनिवर्सिटी बनाया नहीं, लेकिन हर दिन एक यूनिवर्सिटी, हर दिन एक डिग्री कॉलेज, हर दिन एक मेडिकल कॉलेज आप बनाने की बात करते हैं। जौनपुर का मेडिकल कॉलेज है, आज 7 साल पहले पूर्व की सरकार ने बना के गई थी, जितना काम किया आज तक ओपीडी कायदे से चालू नहीं है, उसका स्ट्रक्चर नहीं तैयार हो पाया। आप कह रहे हैं हमने तो बहुत बड़ा विकास कर दी, नमामि गंगे आपकी यहीं है चल रही है, आज गोमती जी बगल में है, नमामि गंगे योजना आपकी बहुत प्रायोरिटी की योजना थी, आज सारे सड़कें मोहल्ले की खुद ही है, सारे सड़कें खुद ही पड़ी हुई है, धूल गर्दा इतना, एक आदमी परेशान है, तो आप एक योजना अपनी बता दीजिए जो हमारी प्रायोरिटी थी और हमने उसको पूरी कर दी। ठीक बात है, बिना आवाज नहीं है। जी जैसे आपने पहला क्वेश्चन जो किया, तो सरकार की क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए और पब्लिक की क्या अपेक्षाएं होती हैं? तो पब्लिक को शिक्षा स्वास्थ्य चाहिए। एक महामारी आई कोरोना की, उसमें पूरा देश पूरा विश्व परेशान था कि कोई वैक्सीन खोजी जाए, वैक्सीनें आई, आपका कोवैक्सीन भी आई जो भारत फार्मास्यूटिकल वाले ने बनाया, और एक जो कोविशील्ड आई वो किसी ने बनाया वो सब जानते हैं, जैसा कि वकील साहब कहे और भाई साहब कहे। तो कहीं न कहीं जैसा कि अभी ये वकील साहब ने कोर्ट किया कि लंदन हाई कोर्ट में किसी ने पिटीशन दाखिल किया रहा होगा, तो इनको जाना पड़ा, अभी जाकर के इन्होंने भाई कोर्ट में कंसिडरेशन दिया कि ये जो मेरी वैक्सीन है इसका साइड इफेक्ट ये है कि ब्लड क्लाट होता है जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज होता है। अब उसके बारे में तो कोई मतलब हम न जोड़ रहे हैं, ना भाई साहब जोड़ रहे हैं, ना कोई जोड़ रहा है। अगर ये ऑथेंटिक है तो कहीं ना कहीं तो है गड़बड़ी। अब अगर ये कोई कह दे कि भाई 1 करोड़ में 1 मर रहा है या 2 करोड़ में 1 मर रहा है, तो आदमी तो कहेगा भाई ना कि ये दवा हमारे लिए नुकसान की, और जिसके घर से 1 मौत हो जाएगी वो उसके दिल से पूछिए ना। यहाँ राजनीति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, राजनीति की कतई बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कि अगर कहीं गड़बड़ी हुई है, मेरे द्वारा अच्छाइयां गिनाई जा रही हैं, तो मैं बुराइयों को सुनने के लिए भी उतने तटस्थता से मुझे तैयार रहना चाहिए, अगर मैं देश का नागरिक हूं सच्चा तो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।